इस लेक्चर में हम लोग आज पॉलीगन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलीगन 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 का जो स्क्रीन है आप लोगों को दिख रहा होगा, वीडियो विजिबल होगा। पॉलीगन क्या होता है? कोई भी क्लोज फिगर जिसमें मल्टीपल साइड हो। ठीक है, पॉलीगन क्या होता है? कोई भी क्लोज फिगर जिसमें मल्टीपल साइड्स हो। जैसे सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे सबसे जैसे दो लाइन से तो पॉलीगन नहीं बनेगा, मिनिमम हम लोग को तीन लाइन चाहिए होगा पॉलीगन आना। तो सबसे कम साइड वाला पॉलीगन होता है ट्राइंगल, उसके बाद फिर हमारा स्क्वायर हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, फिर ऐसे मल्टीपल मतलब पॉलीगन हम लोग बना सकते हैं। तो मिनिमम तो सबसे कम साइड से जो पॉलीगन पॉसिबल है वो क्या होता है? ट्राइंगल। ट्राइंगल भी एक तरह का पॉलीगन है, रोम्बस भी एक तरह का पॉलीगन है। ठीक है, तो कोई भी क्लोज फिगर जो मल्टीपल साइड से मिलके बनता हो सब पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन दो इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जानना है, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल। ये हमारा इंटरनल एंगल हो गया, ये एक्सटर्नल एंगल हो गया। ठीक है, और इस पे जो सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल मैक्सिमम हमारे रहते हैं नंबर ऑफ साइड्स और इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का से मिला के। मतलब इसे जो सवाल बनेगा, पहला बनेगा हमारा नंबर ऑफ साइड से रिलेटेड, या फिर एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड, या फिर इंटीरियर एंगल से रिलेटेड। ठीक है, SSC, CGL, बैंकिंग, IP, MAT, कोई भी एग्जाम होगा उसमें लगभग यही तीन टॉपिक से हमारे कवर हो जाएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट जो रिलेशन है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 होता है। ठीक है, इसको पता रहना हम लोग को। ठीक है, और इंटीरियर एंगल मान लीजिए दो पॉलीगन है, पहला ये दूसरा ये, इसका इंटीरियर एंगल मान लीजिए कुछ भी है और इसका इंटीरियर एंगल कुछ अलग है, इन दोनों का डिफरेंस अगर मान लीजिए 10 है ना, तो इन दोनों का एक्सटर्नल एंगल का भी डिफरेंस 10 ही होगा। सवाल में लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हम लोग लेते हैं कि इच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 5 टाइम्स इट एक्सटीरियर एंगल, देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन क्या होगा। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसका सभी साइड्स इक्वल हो। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, हमारा इंटीरियर एंगल क्या है, 5x है, जब हमारा एक्सटीरियर एंगल x होगा। सवाल के अकॉर्डिंगली क्या बोला है, इच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 5 टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का समीशन हमारा 180 होता है, मतलब 5x और x मिला के हमारा 180 होगा। अभी हम लोग शुरू में ही लेक्चर में देखे थे, मतलब x इक्वल टू क्या होगा, 30 डिग्री। और नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है ये है, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 बाई एक्सटीरियर एंगल। तो 360 बाई 30 करेंगे, उससे हमारा निकल जाएगा नंबर ऑफ साइड्स इस पॉलीगन में 12 है। ये एक प्रोसेस हुआ निकालने का। दूसरा क्या हुआ, टोटल 10 क्वेश्चन है, 15 से 20 मिनट लेक्चर खत्म हो जाएगा। नंबर ऑफ साइड इक्वल टू होता है हमारा, एक और फॉर्मूला यहाँ पे नोट कर किया हुआ है, 2x प्लस 1। एक्स जो है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो है। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। एक्स का वैल्यू क्या है, इंटीरियर बाय एक्सटीरियर। इंटीरियर मेरा है 5x, सॉरी इंटीरियर मेरा क्या है 5 और एक्सटीरियर क्या है मेरा 1। ये इंटीरियर एक्सटीरियर का रेशियो है और साथ में हमारा क्या है, +1। ठीक है, +1, तो यहां से हमारा क्या निकलेगा, 2 और 5 और 1 6 मतलब 12। यहां से भी हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन पॉलीगन द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल आर इन द रेशियो 1:4, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। देखिए पहले तो हम लोग कर सकते हैं कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को x प्लस 4x करके मान सकते हैं और 180 से इक्वेट करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हम लोग जो सेकेंड फॉर्मूला भी देखे थे उससे भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए ये एक तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180, मतलब x प्लस 4x इक्वल टू 180, मतलब 5x इक्वल टू 180। यहां से x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल
जगह पुट करके 360 को डिवाइड कर देंगे, एक्स रे रहेगा तो नंबर ऑफ साइड निकल जाएगा। दूसरा अभी हम लोग क्या देखे थे कि हमारा नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू होगा हमारा 2x+1, ठीक है, 2x+1। 2x क्या होता है, इंटीरियर एंगल पहले लिखना। देखिए इंटीरियर का वैल्यू 4 है और एक्सटीरियर का 1 है, मतलब 4/1+1, तो 2 और ये हो जाएगा मेरा 5, मतलब 10 है। इस पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स हमारा 10 है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल एट अ वर्टेक्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 150, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। देखिए इसको कैसे करना है, इस तरह का सवाल जहां डिफरेंस दिया रहेगा तब एक ही इक्वेशन दिया हुआ, और एक ही इक्वेशन से हम लोग दो वैल्यू कैसे निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर मान लीजिए हम लोग इंटीरियर एंगल मानते हैं एक्स और एक्सटीरियर एंगल मानते हैं वाई, तो एक्स माइनस वाई का डिफरेंस दिया हुआ हमारा 150, ठीक है। तो एक एक इक्वेशन से हम लोग दो वैल्यू नहीं निकाल सकते, दो वेरिएबल का वैल्यू नहीं निकाल सकते, बट हम लोग पहले से जानते हैं कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 होता है, ठीक है। तो 2x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा 0, 8, 5, 13, हाथ में 1, 2, 1, 3, 330, मतलब x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 330/2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से हमारा ये y y कट जाएगा, तो 2x इक्वल टू 330/2। 330 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में, एक बार में 2, 115, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 115। तो एक्सटीरियर एंगल मेरा, इंटीरियर एंगल x, इंटीरियर एंगल था तो इंटीरियर एंगल मेरा 2 to 115 आया, नहीं 165 है, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 150 और 15, 165, मेरा इंटीरियर एंगल आया 165। तो एक्सटीरियर एंगल मेरा कितना आएगा, एक्सटीरियर एंगल हमारा आएगा 15, 15, ठीक है, क्योंकि दोनों का समीकरण 180 होता है। और नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 360/ एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो कितना बार में जाएगा, 5 से 3 से जाएगा 5 बार में 3 से जाएगा ये 120 बार में, 5 से जाएगा ये 24 बार में, ठीक है। तो 24 नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन 24 हो जाएगा। अगला देखते हैं, अमंग द एंगल्स 30, 36, 45, 50, वन एंगल कैन नॉट बी एक्सटीरियर एंगल, मतलब इस चारों एंगल में कोई एक एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा रेगुलर पॉलीगन का। तो ऐसा कैसे पता चलेगा कि 30 है या नहीं है, 36 है या नहीं है, 45, 50 है कि नहीं, ये चारों में कौन सा एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता एक पॉलीगन का। तो हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ साइड्स निकालते हैं 360/ एक्सटीरियर एंगल, तो 360/ एक्सटीरियर एंगल जब करेंगे तो ये जो नंबर ऑफ साइड्स निकलेगा एक इंटीजर निकलना चाहिए, ठीक है। अगर इंटीजर निकलेगा तभी हमारा ये एक्सटीरियर एंगल हो सकता है, तो इस केस में तो निकल जाएगा 12 बार में, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग जब 50 का केस में देखेंगे, 360/50, ठीक है, तो ये हमारा इंटीजर नहीं आएगा, इंटीजर नहीं आएगा, इसलिए हमारा 50 एक एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ द इंटीजर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 1440, द नंबर ऑफ साइड्स। अब देखिए इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, सम ऑफ इंटीजर एंगल इज इक्वल टू ये होता है n-2 × 180। तो इसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल दिया हुआ 1440, नंबर ऑफ साइड्स निकालना है, ठीक है, इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमारा हो जाएगा 1440, ये 180 इधर मेरा n-2, ये 180 का 0 इकटा, अब 6 से ये जाएगा 3 बार में, 6 से जाएगा 2 और 12 और 2, 4, 6, 24, ये 3 से जाएगा 8 बार में, ठीक है। तो 8 इज इक्वल टू हमारा n-2,
एन स्क्वायर टू हमारा 10 नंबर ऑफ साइड्स निकल गया पॉलीगन का। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं। आप लोगों को अगर ज्यादा डाउट होगा तो स्पीड को थोड़ा स्लो करके भी आप लोग देख सकते हैं। रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन इज इतना, मतलब कि एक पॉलीगन वन है और एक पॉलीगन टू है, साइड्स का रेशियो है ये 1:2 है। ठीक है, तो इसमें एक चीज आप लोगों को जानने के बाद, अगर नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो 1:2 है ना, तो एक्सटीरियर एंगल का रेशियो इसका अपोजिट हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। दो पॉलीगन है मगर मान के चले पॉलीगन में, पॉलीगन वन में 20 साइड है ना, तो पॉलीगन टू में 40 साइड होगा, ये नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो है, देखिए 1:2। ठीक है, तो अगर साइड का रेशियो अगर 1:2 है ना, तो एक्सटीरियर एंगल का उसका अपोजिट हो जाता है, 2:1 हो जाता है। और इंटीरियर एंगल का रेशियो बोला है, इंटीरियर एंगल का रेशियो बोला है हमारा, इंटीरियर एंगल का रेशियो बोला है 2:3। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, एक्सटीरियर इंटीरियर पॉलीगॉन वन पॉलीगॉन टू, 2:1 2:3। ठीक है, तो इंटीरियर दो एंगल और एक्सटीरियर एंगल का समीशन एक ही पॉलीगॉन में कितना होता है, देखिए देखिए पॉलीगन वन का केस अगर देखते हैं तो पॉलीगन वन का केस में पॉलीगन वन का केस में हमारा क्या ये 4 आ रहा है, और पॉलीगन टू का केस में भी ये 4 आ रहा है, बट आना क्या चाहिए था, 180 आना चाहिए था। ठीक है, 180 आना चाहिए, तो ये 4 को 180 कैसे बनाएंगे हम लोग 45 से इंटू करके। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल मेरा कितना हो जाएगा इस केस में, 90 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएगा, 360/90 मतलब 4। देखिए थोड़ा सा अच्छे से साफ सुथरा कर देते हैं, इसमें कंफ्यूजन आ सकता है आप लोगों को। देखिए सबसे पहला बात है हमारा दो केस है, पॉलीगन वन का पॉलीगन टू का, साइड्स का रेशियो हमारा है 1:2, तो एक्सटीरियर एंगल का रेशियो हो जाएगा 2:1, इंटीरियर एंगल का रेशियो है मेरा 2:3। तो हम लोग जानते हैं कि किसी एक पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का समीशन 180 होता है, बट यहाँ समीशन 4 है, इस जगह भी समीशन 4 है, बट होना कितना चाहिए, 180 होना चाहिए, तो इसको 4 को 180 कैसे बनाएंगे, 45 से इंटू करके, इसको भी 45 से इंटू करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो एक्सटीरियर एंगल मेरा कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल पहला पॉलीगन में पॉलीगन वन में एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा मेरा 90, और दूसरा पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल मेरा हो जाएगा 45, क्योंकि 45 से इंटू करना पड़ेगा, 45 को 2 से इंटू किए तो आया मेरा 90, और जब 1 से इंटू किए तो आया मेरा 45, तो 360/90 एंगल 90, मतलब इसमें 4 आ गया, और इस मतलब पहला पॉलीगन में 4 साइड है, दूसरा पॉलीगन में 360 बाई इसका एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करेंगे 45, मतलब दूसरा पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स 8 है। इजी, ज्यादा टफ सवाल नहीं था, पॉलीगन इजी चैप्टर है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मेजर ऑफ इच ऑफ द इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन कैन नेवर बी, आप जैसे एक्सटीरियर एंगल वाला देखे थे कि कौन सा एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता, उसी तरह बताइए कौन सा इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता किसी भी पॉलीगन का, कि वो जैसे इंटीरियर एंगल वो पॉसिबल नहीं है। तो देखिए ये इंटीरियर एंगल, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 30 होगा, इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 75 होगा, इसका कितना होगा, 72 होगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका 144 40 36 होगा, तो अब इसी में से डिवाइड करके देख लेंगे कि 360 को कौन सा नंबर डिवाइड नहीं कर पा रहा है, ये कर पा रहा है कि ये नहीं कर पा रहा है, कि ये नहीं कर पा रहा है, कि जो नहीं कर पाएगा ठीक है वो हमारा उसका सेम पेयर हमारा मतलब इंटीरियर एंगल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 30 कर पा रहा है, तो 360/30 ये कर पा रहा है, तो मतलब इसका इंटीरियर एंगल ये पॉसिबल है, डिवाइड मगर एक्सटीरियर एंगल से करेंगे। ठीक है, 75 150 150 300 हो जाएगा। ठीक है, तो 300
375 पहुंच जा रहा है, मतलब ये नहीं डिवाइड कर पा रहा, तो ये एक्सटीरियर एंगल, इसका इंटीरियर एंगल ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 72 चार बार में, पांच बार में ये भी कर पा रहा है, ये भी कर पा रहा है, ठीक है। तो मतलब जिसका एक्सटीरियर एंगल नहीं कर पाएगा उसका इंटीरियर एंगल भी नहीं कर पाएगा, इसका इंटीरियर एंगल वो नहीं होगा। The number of sides in two regular polygon are in the ratio itna and the difference between the interior angle of the polygon is 6 degree. Then find the number of sides. Number of sides nikalna. Number of sides nikalne ke liye humko pata chalna chahiye ya interior angle pata rehna chahiye ya to exterior angle pata rehna chahiye. Nahi, number of sides ke liye sirf exterior angle pata, ha dono se kaam chal sakta. Number of sides ke liye sum of interior angle chahiye aur और नंबर ऑफ साइड्स के लिए एक और चीज, एक्सटीरियर एंगल एक भी पता रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है। देखिए पॉलीगन वन पॉलीगन टू, साइड्स हमारा 5:4, तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 4:5, ठीक है। अब बोला है कि पॉलीगन वन और पॉलीगन टू का इंटीरियर एंगल में डिफरेंस 6 है, तो डिफरेंस 6 है तो इसका एक्सटीरियर एंगल में भी डिफरेंस 6 ही आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल डिफरेंस कितना है, 1 बता रहा है, 6 बनाने के लिए 6 इनटू करना पड़ेगा, इसको भी 6 है, इसको भी 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू हो गया 24, इसको मैं कितना एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री। अब इसका पॉलीगन 1 का नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालेंगे, 360/24 कर देंगे और पॉलीगन 2 का भी 360/30 कर देंगे, दोनों पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड्स हमको यहां से पता चल जाएगा। अगला सवाल, नौ, ठीक है। पॉलीगन हैज 35 डायगोनल्स, द नंबर ऑफ, अरे भाग यहां से, कुछ नहीं बात है। अ पॉलीगन हैज 35 डायगोनल्स, द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन इज, अब देखिए डायगोनल और पॉलीगन का भी अब मतलब एक रिलेशन है हमारे पास, मतलब एक पॉलीगन में कितना नंबर ऑफ डायगोनल हो सकता है उसका भी रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है, एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना और आंसर निकालना। तो 35 डायगोनल, 35 एन नहीं पता है, एन माइनस 3/2, ठीक है। तो ये एन एन माइनस 3 70 इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 3 एन, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, हम लोग इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। हम लोग क्या करना, ऑप्शन से निकालना होगा फिर। तो ये हमारा कितना आ गया, 70 इज इक्वल टू एन एन माइनस 3। अब ऑप्शन में देख लेंगे कि एन का क्या वैल्यू पुट करेंगे ताकि हमारा 70 आ जाए, तो एन का वैल्यू अगर हम 10 पुट करते हैं तो ये 10 और ये 10 में से 3 जाएगा तो 7, तो 70, मतलब ऑप्शन से चेक कर लेंगे कि इसमें एन का वैल्यू कौन सा सेट खा रहा है और ये इक्वेशन को हमको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग का यहाँ पॉलीगन टॉपिक खत्म हो गया, ज्यादा टफ नहीं था, 2-3 फॉर्मूला याद रखना, एग्जाम में सारा क्वेश्चन स्टील हो जाएगा, लगभग इन सारे सवाल से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही पॉलीगन हम लोग के लिए अभी के लिए काफी है, ठीक है। थैंक यू।